झांसी में हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी पत्रकारिता के साथ समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले पत्रकार संगठन झांसी मीडिया क्लब ने सैकड़ों गरीबों असहाय लोगों को कंबल वितरित किए हैं। शनिवार को झांसी मीडिया क्लब के तत्वावधान में झांसी मीडिया क्लब अध्यक्ष मुकेश वर्मा के नेतृत्व में पत्रकार भवन में आयोजित किए गए कंबल वितरण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सदर विधायक रवि शर्मा, भाजपा की महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व महापौर किरण राजू बुक सेलर द्वारा ही गरीब असहाय लोगों को सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरित किए गए हैं। बता दें कि करीब एक सैकड़ों से अधिक लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। इस दौरान ही सदर विधायक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में पहला पत्रकार संगठन जिसमें झांसी में झांसी मीडिया क्लब है, जो अपनी कलम के साथ लोगों की सहायता करने में भी आगे है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने कहा है कि झांसी मीडिया में जब संगठन हुआ था वहां पर लगातार समाज हित के कार्यों की सराहना की गई थी। इस दौरान ही वरिष्ठ पत्रकार रामकुमार साहू, हरिकृष्ण चतुर्वेदी, रवि शर्मा, दीप चंद्र चौबे, सुल्तान आब्दी, रानू साहू, आर एन शर्मा आदि पत्रकार मौजूद रहे। सर्दी के मौसम में जो कम्बल वितरण का कार्यक्रम किया जाता था वही कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। करीब 50 से अधिक लोगों को कम्बल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहा था, कौन है? कार्यक्रम में सदर विधायक रवि शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदेश महापौर महापौर किरण राजू शरद आदि। क्या लगता है झांसी की जनता आपकी मांग कर रही है चुनाव के लिए, तो आप क्या चुनाव मैदान में उतरेंगे? अगर हमने एक आवेदन किया, अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? विकास। अरे यार भाई, आप तुम तो खेलने लगे, तुम मोटिव नहीं पूछे यार। आज झांसी मीडिया क्लब के तत्वावधान में बड़ी बृहद स्तर से यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। झांसी मीडिया क्लब केवल जनता की समस्याओं के लिए ही नहीं, जनता की सेवाओं के लिए भी कार्य करता है। तो आज यहाँ बहुत से गरीब लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे हमारे शहर के माननीय विधायक रवि शर्मा जी भी आए, माननीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा जी और समस्त कार्यकर पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित रहे और बहुत ही अच्छे से कार्य किया। प्रदेश की मुखिया फिर आपको एक बार महापौर में देखना चाह रही है, जनता भी आपको देखना चाह रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने 11 से 17 तक जनता की सेवा की और जनता ने भी मुझे अपूर्ण सहयोग दिया। जनता ही नहीं, मीडिया ने और सभी दल के लोगों ने भी मुझे सहयोग दिया, क्योंकि मैंने जनता के बीच में जाकर कार्य किया और मेरे कार्यों के आधार पर मुझे फास्टिंग यूनिवर्सिटी में अवार्ड दिया गया और इसी आधार पर झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल हुई। तो इन कार्यों को देखते हुए आज जनता फिर मुझे अपने बीच में जुटाना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके, पुराने मुद्दे या फिर नए मुद्दे? देखिए, पुराने मुद्दे तो स्मार्ट सिटी में झांसी की पूरी समस्याएं जो थी, नल की, बिजली की, पानी की, ये सारी समस्याएं समाहित थी, उसमें योजनाएं बनाई गई थी और वो योजनाएं आज चालू हो गई हैं, कुछ योजनाएं लागू नहीं हो पाई हैं। तो वो योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य और फिर जनता के बीच में जाकर जो उनकी समस्याएं और नई होंगी उनका भी निराकरण करने का कार्य करूँगा। अध्यक्ष भाई मुकेश वर्मा के संयोजन में वो अधिकार दिवस को सार्थक रूप में मनाने का काम किया। ठंड से सुकोते हुए लोग, परेशान होते हुए लोग, जिनके लिए देश की उच्चतम न्यायालय लोगों को, सरकारों को, संस्थाओं को फटकार लगाती है कि हर व्यक्ति को ठंड में बचने का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, उनको आज एक सार्थक पहल प्रेस क्लब ने की है और ये मील का पत्थर साबित होगी। जिस तरह राम सेतु के निर्माण में बानर बड़े बड़े शिलाखंड डाल रहे थे और जो गिलहरी पूंछ में कंकड़ लेके जा रही थी उसकी महिमा उन बानरों से हजार गुनी ज़्यादा थी, तो आज वही गिलहरी का काम हमारे मुकेश वर्मा और सभी मीडिया क्लब के लोगों ने किया है और निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय और सराहनीय प्रयास है। इस तरह के प्रयास निस्वार्थ भाव से बहुत ही कम देश में
और प्रदेश में और कहीं देखने को मिलेगा। क्लब के द्वारा आज गरीबों को कंबल वितरण का उत्सव कार्यक्रम आज झांसी की मीडिया क्लब ने जहां एक और अपनी कलम के माध्यम से आवश्यकता और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने का जो काम करती है, वहीं दूसरी ओर आज प्रत्यक्ष में समाज सेवा जो प्रतिवर्ष जब ठंड का सीजन शुरू होता है तो झांसी मीडिया क्लब कंबल वितरण करती है। आज ये उत्सव था, उस उत्सव में कंबल वितरण के माध्यम से उन आवश्यकता और जरूरतमंद लोगों को कंबल देने का काम हुआ। आने वाले समय में जो सर्दी के प्रकोप से जिससे ये लोग बचे। विधायक जी, एक प्रकरण चल रहा है आपसे जुड़ा हुआ, उसमें उनकी धनपत्नी ने आप पे अभी एक बाइट आई, उसमें आरोप लगाया कि आप बेवजह कार्यकर्ता। नहीं, अगर हमको किसी को फंसाना होता तो हम ही गाली सुन रहे, हम ही पीड़ित हैं और उनकी धर्मपत्नी उनको ज्ञान क्यों नहीं दे रही है कि उनके जो आपराधिक इतिहास है वो भी रवि शर्मा ने रच दिया क्या? ये तो पूर्व के आपराधिक इतिहास लिए घूम रहे हैं। आज झांसी में जो फर्जी नंबर प्लेटें स्कूटर की और मोटरसाइकिल और कारों की नंबर प्लेटें लगवा करके और अपने नाम की पट्टी लगवा करके और पुलिस को खरीद के गाड़ियाँ चला रहे, वो भी हम चलवा रहे हैं। जो शराब की भट्टियाँ लगी हैं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में, वो भी रवि शर्मा करवा रहे हैं क्या? अरे, उनकी घर पत्नी को अपने पति को समझाना चाहिए पहले कि ये समाज विरोधी गतिविधियों से बाहर निकलो और समाज में आनंद का जीवन जियो। ये योगी सरकार है, भाजपा का झंडा मात्र लगा लेने से बचने वाले नहीं हो। एक दिन वो आएगा जब जीवन जेल में कटेगा। विधायक जी भी आज सुबह से ही डीआईजी और कप्तान के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी की विधायक जी को बचाने की प्रयास करें?